देखिए आगे हम लोग को पढ़ना है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि एल्गोरिदम क्या होता है। तो देखिए एल्गोरिदम क्या होता है, एन एल्गोरिदम इज ए सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स विच गिव्स ए मेथड फॉर सॉल्विंग ए सर्टेन टाइप ऑफ प्रॉब्लम। देखिए एल्गोरिदम क्या होता है कि ये एक स्टेप है, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो स्टेप, क्या क्या स्टेप होता है उसको हम बोलते हैं एल्गोरिदम, ठीक ना। जैसे सपोज दैट आपको बोला जाए कि सपोज दैट कुछ भी एग्जांपल ले लीजिए। मान लिया जाए कि एग्जांपल आपको लेना है, आपको कोई बोला कि कॉफ़ी बनाना है, ठीक है। तो आप कॉफ़ी कैसे बनाओगे उसका स्टेप बताना है, ठीक ना। तो पहला स्टेप ये है कि आप इसका जो भी इंग्रेडिएंट है, ठीक है, आप उसको इकट्ठा कर लो, ठीक है। इसके लिए क्या क्या चाहिए, दूध चाहिए, चीनी चाहिए, ठीक है। तो स्टेप वन में वो आपको लिखना पड़ेगा कि ये चीज़ चाहिए। दूसरा स्टेप में है कि आपको स्टोव या गैस चूल्हा पे आपको क्या करना है, सस्पेन में लेके उसको, या कॉफ़ी मेकर है तो उसमें आपको क्या करना है, उस सबको डालना है, चीनी कॉफ़ी टी सबको डाल देना है, उसके बाद उसको बॉयल करना है, ठीक ना। यानी कि स्टेप बाय स्टेप आपको करते जाना है। तो वो एक प्रॉब्लम हमारे पास है कि कॉफ़ी कैसे बनाया जाए, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ हमारे पास स्टेप है, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे हम लोग जो पढ़ रहे हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम क्या होता है वो हम आपको बताते हैं। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके हम लोग HCF निकालते हैं, और HCF निकालने का जो स्टेप है उसको हम बोल, देखिए अब हम लोग पढ़ते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। तो देखिए अभी बताया गया कि एल्गोरिदम क्या होता है, तो स्टेप होता है, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का स्टेप होता है उसको हम बोलते हैं एल्गोरिदम। तो देखिए यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम कहाँ पर यूज़ करते हैं, तो दो नंबर का HCF फाइंड करने में यूज करते हैं, और ये कुछ स्टेप लिखा हुआ है, ये जो स्टेप लिखा हुआ है इसी को हम बोलते हैं एल्गोरिदम, ठीक है। कि दो नंबर को फाइंड कैसे करते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके हम लोग दो नंबर का HCF फाइंड करेंगे। तो देखिए मान लिया जाए यहाँ पर, देखिए दो नंबर है ए ग्रेटर देन बी है, दो नंबर है ए और बी जिसमें ए ग्रेटर देन बी है, और दोनों का हम लोग को क्या निकालना है, HCF फाइंड करना है। तो देखिए इसमें पहला स्टेप ये कह रहा है कि दोनों नंबर को आप डिवाइड करो, ठीक है, और इस फॉर्म में लिखो, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में लिखो यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके, ठीक है। अगर देखिए दूसरा स्टेप में कह रहा है कि अगर रिमाइंडर जीरो आ गया, ठीक ना, तो ये जो बी है वही HCF हो जाएगा ये दोनों नंबर का, ठीक है। जैसे देखिए ध्यान से समझिए, जैसे मान लिया जाए कि हमारे पास दो नंबर है, ठीक ना, जैसे मान लिया जाए कि एक नंबर है 6 और दूसरा नंबर है 18, ये दोनों का आपको क्या करना है, HCF फाइंड करना है। तो आपको करना क्या है कि ये पहले दोनों को डिवाइड कर लेना है, ठीक ना। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले लिखना है स्टेप वन, 18 इज ग्रेटर देन 6, देयरफॉर यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो ये क्या कहता है, अब जैसे देखिए यहाँ पे अगर हम डिवाइड कर लेते 18 को 6 से डिवाइड करते तो यहाँ 3 आता, ठीक ना, और यहाँ 18 और रिमाइंडर कितना आ गया, 0, ठीक है। तो हम लिख सकते थे 18 इक्वल टू 6 इंटू 3 प्लस 0, ए यूक्लिड डिवीजन लेमा है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो यहाँ पे HCF कितना हो गया, 6 हो गया, यही बोल रहा है। कह रहा है कि पहले चेक करो कि कौन नंबर बड़ा है कौन नंबर छोटा है, तो जो नंबर छोटा है उससे डिवाइड करना बड़ा नंबर को, ठीक ना। उसके बाद आपको इस फॉर्म में यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज करना है। अगर यहाँ पे दिखाई दे कि रिमाइंडर 0 हो गया तो HCF कितना हो गया, जो बी है वही रिमाइंडर हो गया, यानी कि जिसे डिवाइड करो यानी कि जो डिवाइजर है, ठीक है, वही आपका क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। अब देखिए आगे अगर रिमाइंडर 0 नहीं हुआ, ठीक ना, अगर मान लीजिए यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं होता, सपोज दैट जैसे मान लीजिए यहाँ 6 रहता और कुछ रहता, मान लीजिए 16 रहता, ठीक है, तो रिमाइंडर 0 नहीं होता, तब आपको क्या करना है, देन अप्लाई द डिवीजन लेमा टू बी एंड आर, यानी कि जो डिवाइजर है और रिमाइंडर है उस पर अब यूक्लिड डिवीजन लेमा फिर से यूज करना है। और ए प्रोसेस स्टेप थ्री में ए प्रोसेस तब तक कंटिन्यू करना है जब तक कि रिमाइंडर 0 ना आ जाए, ठीक ना। जैसे देखिए एक क्वेश्चन से हम आपको ये समझाते हैं कंसेप्ट, ठीक है।
देखिए ये स्टेटमेंट इसका था, एल्गोरिदम का प्रोसेस क्या है वो लिखा हुआ था। अब देखिए यहाँ पे सपोज दैट आपको एक क्वेश्चन दें, कोई भी एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं। सपोज दैट आपको HCF फाइंड करना है 6 और 16 का, ठीक ना, और यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, इसका यूज करके आपको फाइंड करना है 6 और 16 का HCF। तो आपको करना क्या है कि सबसे पहले आप इधर अब दोनों को डिवाइड कर लो, तो कितना से करोगे, तो 6 12 2 12, तो यहाँ पे 4, देखिए यहाँ पे रिमाइंडर अभी जीरो नहीं है, तो फिर आगे इसमें इसको यहाँ पे लाएंगे, ये आप डिवीजन प्रोसेस जानते हो HCF निकालने का, यहाँ पे आएगा 4, फिर सबट्रैक्ट करेंगे तो 2, फिर यहाँ पे लाएंगे 4, फिर यहाँ पे 2 2 4, जब रिमाइंडर जीरो आ जाता है तो छोड़ देते हैं, और यहाँ पे HCF कितना हो जाता है 2, ठीक है। तो आपको इस तरह से नहीं बनाना है, आपको कैसे बनाना है, यहाँ पे आप रफ में कहीं पे ऐसा आप लिख सकते हो डिवीजन मेथड से, और आपको इसका बनाना कैसे है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम से, देखिए यहाँ पहले लिखेंगे स्टेप 1, लिखेंगे कि सबसे पहले ये दोनों में बड़ा कौन है, तो 16 इज ग्रेटर देन 6, तो सबसे पहले लिख लेंगे कि बड़ा कौन है, तो जो छोटा है वो डिवाइजर हो गया, और जो बड़ा हो डिविडेंड हो गया, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, तो क्या लिखेंगे, तो 16 को लिखेंगे, देखिए यहाँ से डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू 6 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर प्लस 4। अब यहाँ लिखेंगे सिंस ये जो रिमाइंडर है वो नॉट इक्वल टू 0, रिमाइंडर 0 नहीं है, अगेन स्टेप 2 हो गया, अगेन यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है। तो फिर से यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करना है, तो देखिए अब किसके साथ यूज करना है, तो जो डिवाइजर था और जो रिमाइंडर था उसमें यूज करना है, तो डिवाइजर यहाँ पे कितना था, रिमाइंडर 4 था और डिवाइजर 6 था, तो 4 और 6 में यूज करना, यानी अब लिखेंगे 6 इक्वल टू 4 इंटू 1 प्लस 2, ठीक है। ये प्रोसेस तब तक कंटिन्यू करना है जब तक यहाँ रिमाइंडर 0 ना आ जाए, ठीक है। तो फिर से यहाँ पे लिखेंगे आर नॉट इक्वल टू 0, अभी यहाँ रिमाइंडर कितना है 2 आया, तो 0 नहीं है, तो फिर से स्टेप अगला स्टेप में बढ़ जाएंगे, स्टेप 3, फिर से अगेन यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा किस पे लगाएंगे, तो 2 पे और 4 पे, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए फिर से हम लिख देते हैं अगेन स्टेप 3 यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक ना। तो यहाँ पे इस बार लगाएंगे 4 इक्वल टू, देखिए यहाँ पे 4 इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस 0। अब लिखेंगे कि सिंस आर इक्वल टू 0, तो यहाँ डिवाइजर कौन था, 2 था, देयर फोर HCF इक्वल टू 2, ते कंप्लीट हो गया HCF। यानी कि आपको क्या करना है, सपोज दैट आपको एग्जाम में पूछ दे इस तरह क्वेश्चन, तो आपको ए रफ में कर लेना है, और यहाँ से इस तरह से यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके हम लोग को इस तरह से सोल्व करना है। अच्छा ये जो स्टेप हुआ फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप, ये जो स्टेप है इसी को हम बोलते हैं एल्गोरिदम, ठीक ना। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, तो इसी तरह से सिमिलरली आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हो, ठीक है।